तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ जय किशन एंड यू वाचिंग जे की टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले मैंने एक इलेक्ट्रिक गैस स्टोव मंगाया था और फिलहाल वो मुझे 2080 रुपये का पड़ा था। उसमें दो खाना बना सकते थे, बेसिकली दो कॉयल था, तो एक साथ में मैंने चावल दाल भी बना सकते थे, यानी कि दो चीज़ें एक साथ बना सकते थे। तो मैंने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न किया, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली कटआउट था, यानी कि जब उसमें रोटी वगैरह नहीं बना सकते थे, जब बनाते थे तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता था, उसमें प्रॉब्लम होता था मेरे को बहुत ही ज़्यादा। तो मैं सोचा चलो भाई उसको रिटर्न कर दिया जाता है और दूसरा लिया जाता है। तो नाउ फाइनली गाइस मैं दूसरा कुछ ले चुका हूँ, ये भी इलेक्ट्रिक गैस स्टोव ही है और ये जो मुझे 1594 रुपये का पड़ा है। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा चीज़ें हैं। और इसका जो पैकेजिंग है कुछ इस तरह से आया है, आप देख सकते हो फिलहाल। और इसका जो वजन है काफ़ी भारी है, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा भारी है, तो इसका क्वालिटी भी आई होप कि अच्छा होगा। तो गाइस ऐसा कुछ इसमें पैकेजिंग मेरे को मिला है और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है। तो और भारी जो है, वजन काफ़ी इसका भारी है और यहाँ पर बहुत सारे टेप मारा गया है। तो चलिए मैं टेप को फटाफट से कट करता हूँ और उसके बाद इसको फटाक से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। तो गाइस इसको मैंने ओपन कर लिया है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और ये रहा इसका बिल। बिल का प्राइस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 1594 रुपीज़ है। मैं थोड़ा सा पास में आकर ला करके वो दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली। चलो बिल को फटाफट से साइड में रखते हैं और प्रोडक्ट पर आते हैं। तो ऐसा कुछ इसमें प्रोडक्ट मेरे को मिलता है और इस पर एक सील लगा हुआ है और ये जो है बजाज कंपनी का है, यहाँ पर देख सकते हो। बाकी इधर से कुछ ऐसा ही है, बजाज वैको, यहाँ पर 1250 वाट का इसमें कॉइल मिल जाता है। इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो सेम टू सेम वैसा ही है। एक साल का इसमें वारंटी आपको मिल जाता है और यहाँ पर आराम से आप खाना वगैरह पूरा बना सकते हो। पीछे की लाइट कर तो यहाँ पर क्लीन है और यहाँ पर कुछ इस तरह से है। तो चलिए फटाफट इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्वालिटी वगैरह कैसा रहता है। आई होप कि बेटर होना चाहिए क्योंकि बजाज कंपनी का है, तो बजाज कंपनी जो है काफ़ी ओल्ड कंपनी है और काफ़ी सही सही प्रोडक्टें बनाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसा कुछ निकला हुआ है, इसको ओपन किए तो यहाँ पर देख सकते हो वारंटी कार्ड मुझे मिला है, बजाज वैको यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर प्रोडक्ट और मुहर वगैरह पूरा मारा हुआ है। पीछे से बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, आप फटाफट से इसको पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके पढ़ना है तो। इसको मैं साइड में रख देता हूँ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलता है मेरे को। तो यहाँ पर देख सकते हो एक हेल्पलाइन नंबर और क्यू आर कोड वगैरह मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पर जो हेल्पलाइन हेल्प ले सकते हो बेसिकली, ठीक है। और पीछे से इसमें भी कुछ इतने सारे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद की बात करो तो यहाँ पर मेन जो है प्रोडक्ट अपना आ जाता है और जो प्रोडक्ट का मैं पैकेजिंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पैकेजिंग किया हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना हो। और जो वज़न है ना, बहुत ज़्यादा भारी है ये, बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है और इसका जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। तो चलो इसको मैं निकालता हूँ इसमें से, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से है। चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ, बाकी इस डब्बा में तो कुछ भी नहीं, डब्बा को वापस से पैक करके और डब्बा को साइड में रखते हैं हम। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह इसका क्वालिटी मिलता है। और इधर से बात करें तो यहाँ पर बजाज वैको लिखा हुआ है, बाकी इलेक्ट्रिक कुकिंग हॉट प्लेट लिखा हुआ है और सामने से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर टीटा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, थीटा जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर ISI का होल मार्क है। और इस साइड से बात करें तो नीचे से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जो इसमें क्वालिटी यूज़ किया ना, प्लेट यूज़ किया गया, जो मटेरियल यूज़ किया गया बहुत ही अच्छे लेवल का, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है और बेसिकली सही लग रहा है और काफ़ी बेसिकली क्वालिटी वगैरह बहुत ज़्यादा इसका तगड़ा लग रहा है और काफ़ी प्राइस भी ठीक है और इसका जो देख सकते हो तार का जो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का तार इसमें दिया गया है। इसके पहले जो मैंने मंगाया था, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो फटाफट से जाओ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पर कम ज़्यादा ऐसा कुछ एक नंबर दो नंबर करने का और यहाँ पर तीन नंबर ऐसे कुछ करने का, फिर यहाँ पर जीरो नंबर हो गया, बहुत ही ज़्यादा तेज ऐसा झटका से वो घूम जा रहा है, सोच सकते हो। तो कुछ इस तरह से है, बाकी नीचे देख सकते हो एक प्लेट लगा हुआ है, यानी कि कुछ इस तरह से बहुत ही अच्छा क्वालिटी लग रहा है देखने में। और इसका जो ये है ना बहुत ही ज़्यादा सही है, इस पर अगर कुछ भी भारी वगैरह रखते हो तो आपका जो है वजन आसानी से सह सकता है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का बनाया गया है। इसमें पूरा स्टील वगैरह का यूज़ किया गया, बेसिकली मैं इसको रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आपको लेना है तो वो वाला ना ले करके ये वाला ले लो, थोड़ा सा प्राइस आपको महंगा पड़ेगा बट काफ़ी इसका जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। अब चलो फटाफट से देखते हैं कि ट्राई करते हैं कि कैसा जलता है और इसमें कटआउट वगैरह ऑप्शन है कि नहीं अंदर से, और जो भी चीज़ें हैं सारे के सारे बताऊंगा। कुछ इस तरह से अंदर से दिखाई देता है मेरे को और पता नहीं आपको दिखाओगे नहीं दिखाओगे, बट चलो फिट अप बिना टाइम को वेस्ट किए अब चलते हैं बिजली में लगाते हैं इसको। तो गाइस यहाँ पर फिलहाल मैं रूम में लाकर इसको रख लिया हूँ और इसको चलो फटाफट से तार जो है इसको निकालते हैं और तार का लेंथ भी देख लेते हैं कितना रहता है और इसको फटाफट से मैं बिजली में लगाऊंगा और देन मैं पानी वगैरह ला कर रखा हूँ, तो पानी हीट करके देखेंगे हॉट करके कितना टाइम लगता है और कितना है। तो यहाँ पर लेंथ जो है इसका तार का ठीक है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मीटर का आई होप की होगा
और इसका क्वालिटी वगैरह काफ़ी सही लग रहा है। तो ये रहा अपना बोर्ड और इसमें लगा देते हैं मैं, तो फिलहाल इसको लगा दिया हूँ। और एक नंबर पे डालने पे यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये हीट हो रहा है कि नहीं। हाँ हीट तो हो रहा है, मेरे को फील हो रहा है हीट। चलो इसको मैं तीन नंबर पे डालता हूँ और यहाँ पर वोल्टेज जो है काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, इसमें पानी रखता हूँ और देखते हैं कि करंट तो नहीं मार रहा है फिलहाल, और मारना भी चाहिए नहीं चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा हीट हो रहा है, मेरे को फील हो रहा है हीट अभी यहाँ से साइड से। अब इसके ऊपर पानी रख दिया तो थोड़ी पता चलेगा। उसको मैंने तीन नंबर पे डाल लिया है, इतना इसमें पानी है। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, 11:20 हो रहा है और मैं 5 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ और देन देखते हैं कि हीट वगैरह कितना हुआ रहता है 5 मिनट में, ठीक है। तो गाइस फाइनली 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो 5 मिनट हो गया है। और हीट की बात करें तो यहाँ बाहर तक हीट इसका फील हो रहा है, यहाँ तक पूरा हीट इसका फील हो रहा है मेरे को। और पानी की बात करें तो पानी जो है गर्म हो चुका है, काफ़ी हद तक गर्म है, मतलब इसमें हाथ आप डुबा के नहीं रख सकते हो, इतना गर्म हो चुका है पानी। ठीक ठाक है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और ये जो है बर्तन भी हीट हो चुका है, और ये जो भी है आप लोग सोच रहे होंगे कि रेड होता है कि नहीं, तो मैं लाइट ऑफ करता हूँ देन आप लोग देखो जरा। तो गाइस फिलहाल मैंने लाइट ऑफ कर दिया है और एक लाइट मेरा जल रहा है, इसको भी मैं ऑफ करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये जो हीट हुआ है, और थोड़ा नीचे से ला करके दिखाइए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपको दिख पाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से है, मतलब हीट हुआ है। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, इस पतीले को मैं बाहर निकालता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका हीट जो है साफ साफ आपको दिख रहा होगा, और जहाँ जहाँ पतीला रखा हुआ था वहाँ वहाँ पे पूरा मतलब थोड़ा सा हीट कम हुआ है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लिया है ना, मतलब जो है अपना बर्तन, तो इसकी वजह से, ठीक है। तो चलो इसको वापस से रख देता हूँ मैं इसी पे, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से है। मैं लाइट्स को ऑन कर देता हूँ और कुछ मतलब ठीक है, काफ़ी सही चीज़ है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। तो फाइनली गाइस ओवरऑल प्रोडक्ट काफ़ी सही लगा, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और इसका क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छा है और हीट भी काफ़ी ठीक है, मतलब बहुत अच्छा खासा हीट कर देता है। इसका जो कॉइल का क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है, और इसमें ऑटो कटआउट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि अगर आपका ऑटो कटआउट हो जाता है ना, फिर आपका खाना ढंग से नहीं बन पाता है। और मैंने इसको 5-6 मिनट जलाया है तो ऑटो कटआउट अभी तक तो नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से इसमें ऑटो कटआउट नहीं दिया होगा, और नहीं दिया है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर देता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि ऑटो कटआउट है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है वो। भले ही आपका लॉन्ग टर्म में काम देगा वो अच्छी अलग बात है, लेकिन आपका खाना ढंग से नहीं बन पाता है, कुछ कुछ चीज़ें बन पाता है। अगर आप किसी चीज़ को मतलब ज़्यादा उसमें हीट की ज़रूरत है, देन आप उससे मतलब ऑटो कटआउट वाले से नहीं बना सकते, इसमें प्रॉब्लम ये है। और ये मुझे प्रोडक्ट काफ़ी ठीक लगा, और जब आप खाना बनाते हो तो पूरा का पूरा ये भी हीट हो गया, पूरा मतलब ये जिसका बॉडी है पूरा एकदम गर्म हो गया पूरा हीट। और इसका जो मटेरियल यूज किया ना बहुत अच्छा का, यहाँ पर तो मतलब अभी बहुत ज़्यादा इसमें हीट मेरे को फील हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ये हीट हो गया, पूरा का पूरा ये हीट हो चुका है। यहाँ पर इसका जो बॉडी है काफ़ी अच्छा खासा हीट हो चुका है। इसको मैं 3 नंबर पर चला रहा था, और 1200 वाट का है तो काफ़ी ठीक है, और प्राइस की बात करें तो वो भी सही है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। कोई सवाल हो सुझाव हो तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और फाइनली बोलूँगा कि ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, फटाफट से शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जो गिव अवे वाला वीडियो मैंने डाला है उस पर आप फटाफट से लाइक कंप्लीट करवाओ, और देन मैं गिव अवे अनाउंस करता हूँ। तो पता नहीं आप लोग कितना स्लो कर रहे हो, थोड़ा जल्दी करो, और मैं भी एक्साइटेड हूँ गिव अवे को मतलब विनर अनाउंस करने के लिए। तो यही बोलूँगा, बाकी आप अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।